कैसे हो आप सब? तो चलिए अपन का करते हैं कक्षा 12वीं का जो अपन यूनिट पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल और ईथर, ठीक है। उसमें अपन आज देखते हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। एल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। तो देखो, जब अपन एल्कोहल के रासायनिक गुण या केमिकल रिएक्शन देखना शुरू करें तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो एल्कोहल है वो दो टाइप के मुख्यतः अभिक्रिया देगा आता है। पहली अभिक्रिया जो वो होती है जिसमें एल्कोहल क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है उसको ब्रेक कर देता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे किसका रिमूवल होता है, एच प्लस का, ठीक है, प्रोटॉन के रूप में, अर्थात प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, ठीक है। और जब ये अभिक्रिया दर्शाता है तो यहाँ पे जो एल्कोहल है वो एक नाभिक स्नेही के जैसे व्यवहार करता है, ठीक है, अभी अपन देखेंगे। दूसरी अभिक्रिया अपन वो देखेंगे जिसमें एल्कोहल में, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक ना होके अब यहाँ पे जो एल्किल समूह है और जो ऑक्सीजन है इसके बीच का जो बंध है वो ब्रेक होगा, अर्थात यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिमूव होगा। और यहाँ पे, ठीक है, जो एल्कोहल है वो एक इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप की अभिक्रिया अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि एल्कोहल जिसमें किसके समान व्यवहार करे, नाभिक स्नेही के जैसे। जो पहली अभिक्रिया है इसमें देखेंगे अपन कि जो एल्कोहल है, ठीक है, ये किसके समान व्यवहार कर रहा है, नाभिक स्नेही के समान, ठीक है। एल्कोहल किसके समान व्यवहार कर रहा है, नाभिक स्नेही के समान। जब ये नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करता है तो मैंने बताया था यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कहाँ से होता है, इनके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन, ठीक है, निकलते हैं, ठीक है। और जब भी कोई अणु या यौगिक, जब भी प्रोटॉन यहाँ पे निकलते हैं जिससे, तो वो उसका जो स्वभाव है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय, ठीक है। जो H प्लस दान करते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे अपन एक एल्कोहल की संरचना ले लेते हैं, ठीक है, और अपन देखते हैं कि ये नाभिक स्नेही के समान व्यवहार कैसे करते हैं। नाभिक स्नेही को शॉर्ट में अपन इस प्रकार दर्शा देते हैं, ठीक है। नाभिक स्नेही मुख्यतः ऐसी स्पीसीज होती है जो नाभिक को या इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ आकर्षित करती है, इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ना पसंद करती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, कार्बोकेटाइन के ऊपर रहता है धनात्मक आवेश, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के समान व्यवहार दर्शाता है और क्या कर सकता है, यहाँ पे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से इस कार्बन से बंध बनाता है, ठीक है। तो जब इससे ये कार्बन से बंध बनाएगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे R O और ये वाले जो हाइड्रोजन है इसको अपन यहाँ पे इस प्रकार लिख लेते हैं साइड में, और ये कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दान करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा, क्योंकि एक तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और यहाँ पे इनने तीन बंध बना लिया है, ठीक है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कमी के कारण यहाँ पे धनात्मक आवेश आता है, तो इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपना जो धनात्मक आवेश है ये इतना पसंद नहीं होता, तो इसको अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो कार्बोकेटायन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बल्कि जो हाइड्रोजन है यहाँ से जुड़ा है उसके साझे के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे क्या है, H प्लस, ठीक है, निकल जाता है, क्या निकल जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन के रूप में, ठीक है। इसलिए इसका स्वभाव कैसा रहता है, अम्लीय, अपन अम्लीय अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, देखो आर ओ, ठीक है, और यहाँ पे ये कार्बन, इस प्रकार ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ पे एल्कोहल ने किसके जैसे व्यवहार किया है, नाभिक स्नेही के जैसे। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो पहली अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें क्या पढ़ें अपन ने कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध का विदलन होगा, अर्थात अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध का क्या होता है, विदलन होता है, ठीक है। तो मुख्यतः चार प्रकार की होंगी। पहला अपन क्या करेंगे, धातुओं के साथ क्रिया देखेंगे, अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा है अपन एल्कोहलों की अम्लीयता को देखेंगे, ठीक है, अम्लता को। तीसरा अपन एस्टरीकरण अभिक्रिया देखेंगे, और चौथा देखेंगे अपन, ठीक है, एसिलीकरण या एसाइलेशन अभिक्रिया को देखेंगे, ठीक है। इन चारों अभिक्रिया में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है वो ब्रेक होता है। तो बच्चों जो पहली अभिक्रिया अपन देख रहे हैं क्या, धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है। अब देखा होता है एल्कोहल क्या करते हैं, सक्रिय धातु जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है,
एल्यूमिनियम है के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अपन ने ये कक्षा 10वीं में भी पढ़े हैं कि एल्कोहल क्या करते हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन क्या करें, कोई एक एल्कोहल ले लें, ठीक है, इस प्रकार अपन ने यहाँ पे बच्चों एल्कोहल ले लिए, एल्कोहल के दो मोल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त होना है अपने को यहाँ पर। इसकी रिएक्शन अपन कोई भी सक्रिय धातु जैसे सोडियम से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन सामान्यतः यहाँ से मुक्त हो जाएगा और सोडियम इसकी जगह में जाके इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RONa, ठीक है, इसके दो मोल बन जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के हो जाएगी, फाइनली यहाँ पे मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, देखो ये तो है हमारा क्या, एल्कोहल, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन किससे कर रहे हैं, सोडियम से, तो ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे दो मोल ले लेते हैं अपन किसके, ठीक है, एथेनॉल के ले लेते हैं, CH3CH2OH, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन फिर से क्या करते हैं, इस बार अपन क्या करते हैं यहाँ पे पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फाइनली वही बन जाएगा CH3CH2 है ही, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सिर्फ बंद कहाँ का टूटता है, यहाँ का बंद टूटता है अपने को पता है, तो यहाँ पे इसकी जगह में क्या आके जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पोटेशियम आके जुड़ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे मुक्त हो जाएगी, ठीक है, तो ये एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया अपन किससे कर रहे हैं, पोटेशियम से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, पोटेशियम, पोटेशियम एथॉक्साइड, क्या बन जाएगा अपना, पोटेशियम एथॉक्साइड। सेकेंड अभिक्रिया देखेंगे बच्चों अपन अम्लीय स्वभाव के बारे में, ठीक है, एल्कोहलों के अम्लीय स्वभाव के बारे में, तो पहले बता चुका हूँ कि जो H+ दान करते हैं वो कैसा स्वभाव दर्शाते हैं, अम्ल के समान स्वभाव दर्शाते हैं, ठीक है, तो चूंकि इन अभिक्रियाओं में भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और H+ किसके रूप में मुक्त हो रहा है, प्रोटॉन के रूप में, अर्थात ये अम्लीय स्वभाव भी दर्शाएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे, देखो एल्कोहल में जनरली यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक बंद रहता है, ठीक है, अब यहाँ पे ये बंद कैसा हो जाता है, पोलर या ध्रुवीय हो जाता है, कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में, और हाइड्रोजन की विद्युत, ठीक है, ऋणात्मकता कैसी होती है, कम, ठीक है, तो इन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है, अर्थात साझे के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है, इन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो ये बंद कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा और आसानी से यहाँ पे टूट जाएगा, और जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, एच प्लस या प्रोटॉन के रूप में, ठीक है, कैसे हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और जैसे ये प्रोटॉन के रूप में मुक्त होगा या H+ हमको मिलेगा, इसका अम्लीय स्वभाव हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल क्या है, एक दुर्बल अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, कैसे हैं, वीक एसिड हैं, ठीक है, तो उसका भी अपन यहाँ पे कारण देख लेते हैं कि ऐसा ये होते क्यों हैं। एल्कोहल अपन ले लेते हैं, एल्कोहल में मान लो यहाँ पे आर समूह या यहाँ पे क्या जुड़ा है अपना, एक एल्किल समूह जुड़ा है, ठीक है, अब जो एल्किल समूह है आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, कैसा समूह है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ठीक है, या हम बोलें कि ये प्लस आई इफेक्ट डालता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डालने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होने का मतलब है कि ये जो अपने जो इलेक्ट्रॉन बंद के इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीजन की तरफ भेजता है, ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पे भेजता है या अपने इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के चारों ओर, ठीक है, ऑक्सीजन के चारों ओर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन के चारों ओर कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा ऋणावेश आ जाता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ऋणावेश बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो अब यहाँ पे जो H+ है इसका रिमूवल कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धोखे से ये मुश्किल हुआ भी, यहाँ से बंद टूटा भी,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, अर्थात बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये H प्लस को क्या कर लेगा, यहाँ पे वापस जोड़ लेगा अपने तरफ, ठीक है। तो जैसे ही अपने तरफ जोड़ेगा अर्थात यहाँ पे H प्लस मुक्त नहीं होगा, और जब H प्लस मुक्त नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे ये अम्लीय स्वभाव कैसा करेगा, यहाँ पे दुर्बलता से दर्शाएगा, बहुत मुश्किल से दर्शाएगा। बस वही है, यदि मान लो धोखे से इनने एल्किल समूह के कारण यहाँ पे ये बंध टूट भी गया है, एच प्लस अलग हो गया और ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आ भी गया, ठीक है, ये प्रोटॉन कैसा हो गया यहाँ पे मुक्त भी हो गया, तो यहाँ पे एल्किल समूह के प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के जो चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसके कारण ये जो प्रोटॉन जो मुक्त हुए हैं ये वापस यहीं आ जाते हैं, या फिर जब ये जुड़े रहते हैं तो इनका रिमूवल ही कैसा हो जाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये रिमूव भी नहीं हो पाते, ठीक है, यहाँ से ये बंध टूट ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण इसका जो अम्लीय स्वभाव है ये कैसा हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, बहुत ही कम अम्लीय हो जाते हैं, या ये दुर्बल अम्लीय हो जाते हैं। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अम्लों की अम्लीयता को हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर हम एक प्राथमिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जिस समूह से OH समूह जुड़ा है वो खुद एक एल्किल समूह से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया अपना प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब जिस समूह से OH जुड़ा है वो खुद दो एल्किल समूह से जुड़ा है, तो ये हो गया अपना क्या, द्वितीयक एल्कोहल। और इसी प्रकार हम क्या करें यहाँ पे एक तृतीयक एल्कोहल भी ले लें, ठीक है, ये अपन ने तृतीयक एल्कोहल ले लिया जिसमें तीन एल्किल समूह यहाँ पे जुड़े हैं, ये क्या है अपना तृतीयक एल्कोहल है, ये क्या है अपना द्वितीयक एल्कोहल है, और ये क्या है बच्चों अपना प्राथमिक एल्कोहल है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये R समूह कौन सा इफेक्ट लगा था, प्लस आई इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉन ये प्रतिकर्षी समूह अर्थात ये साझे के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रतिकर्षित करता, साझे के इलेक्ट्रॉन को कैसा करता, प्रतिकर्षित, ठीक है। इसके कारण ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ता है, और H प्लस का जो रिमूवल है, यहाँ पे जो H प्लस निकलते हैं इनका रिमूवल कठिन हो जाता है, अर्थात इनका निकलना कठिन हो जाता है, इस कारण इनकी अम्लीयता अभी घट रही थी, अपन ने अभी देखे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे तो दो दो एल्किल समूह हैं, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल में दो दो एल्किल समूह हैं, अर्थात ये साझे के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ भेजेंगे, चेन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, अपने से दूर भेजेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन को ये दूर भेजेंगे तो ऑक्सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, यहाँ पर ऋणावेश आएगा, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर ऋणावेश डेवलप होगा तो यहाँ पर एच प्लस का रिमूवल उतना ही कठिन होगा, क्योंकि ये बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंग जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, तो इसकी अम्लीयता कैसी हो जाएगी और घट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीन एल्किल समूह हैं, ठीक है, तीनों एल्किल समूह मिलके यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, अर्थात यहाँ पे ये चेन से सर्कुलेट होते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे H प्लस का रिमूवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है, H प्लस निकलेगा तो वापस यहीं आके जोड़ नहीं है इसको, ठीक है, ये बंद यहाँ से टूटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा ऋणावेश आ गया है, तो यहाँ पे H प्लस का रिमूवल कठिन, बहुत कठिन होगा, ये वापस यहीं आके जोड़ेगा, टूटेगा ही नहीं बंद, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे यदि अम्लीयता की तुलना करें तो यहाँ पे जो प्राथमिक एल्कोहल हैं, ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा अम्लीय होते हैं तुलना में किसके, द्वितीयक एल्कोहल के, और सबसे कम जो अम्लीयता दर्शाते हैं वो तृतीयक एल्कोहल दर्शाते हैं, ठीक है, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर तृतीयक एल्कोहल। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, यहाँ पे मान लो एक एल्किल समूह है, ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे H प्लस का रिमूवल या जो निकलना है वो मुश्किल हो रहा है, इस कारण इसकी जो अम्लीयता है वो कैसी हो रही है, यहाँ पे अम्लीयता, अम्लीय गुण कैसा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे हम जल ले लें, ठीक है, HOH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे, तो जो हाइड्रोजन ये प्लस आई इफेक्ट तो लगाएगा नहीं, ठीक है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन निर्मोची समूह भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो उतना नहीं बढ़ पाएगा, इस कारण यहाँ से जो बंध है वो आसानी से टूट जाएगा, और यहाँ पे एच प्लस या प्रोटॉन का निकलना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसी कारण बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो जल है, ठीक है, जल कैसा होता है, ज़्यादा अम्लीय रहता है किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में, ठीक है, जल किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय रहेगा।
थर्ड या तृतीय रिएक्शन वो अपन देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपन अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है, किसकी, एल्कोहल की, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की आपस में अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का बहुत IMP नाम है, एस्टरीकरण, ठीक है, ये आपने पढ़े भी होगी। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, एल्कोहल क्या करता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या है सांद्र H2SO4 या ठीक है यहाँ पे शुष्क HCl, ड्राई HCl के साथ जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनते हैं यहाँ पे एस्टर बनते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे RCOOH, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक एसिड अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन किससे करा रहे हैं यहाँ पे, एल्कोहल से, ROR, ठीक है, यहाँ पे R- इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा एल्किल समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसका OH और यहाँ पे इसका H, ठीक है, आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, जल, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह जो है OH समूह प्रदान करता है, और यहाँ पे एल्कोहल का यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध टूटता है और यहाँ पे फाइनली क्या बन जाता है, जल, जो अपन ने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और बाकी जो समूह है यहाँ पे RCO, ठीक है, इस O के साथ जुड़ के क्या बनाता है, RCOOR, या इसको बोलते हैं अपन एस्टर, क्या बन जाता है, एस्टर। एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे, मान लो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिए हैं, CH3, ठीक है, COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, अपन ने यहाँ पे क्या ले लिए हैं, एसिटिक अम्ल ले लिए हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन सपोज अपन एथेनॉल से करते हैं या एथिल अल्कोहल से करते हैं, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन HO, ठीक है, C2H5 एथिल अल्कोहल से जब इसकी अपन अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंध टूटेगा इनके बीच का और ये दोनों आपस में इस प्रकार यहाँ पे जुड़ जाएंगे और फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, CH3CO, ठीक है, और यहाँ पे ये OC2H5, ठीक है, ये एस्टर का निर्माण हो गया जिसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, एथिल, ठीक है, और ये कौन सा समूह है, एसीटेट, एथिल एसीटेट, और साथ ही साथ अपने को यहाँ पे क्या मिल गया है, H2O सह उत्पाद के रूप में। ये जो पूरी अभिक्रिया है ये किसकी उपस्थिति में होती है, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है। यहाँ भी अपन क्या लेंगे, कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है, पर यदि हम इस अभिक्रिया में ड्राई या जो कंसनट्रेट HCl लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें, यहाँ पे भी कंसनट्रेट ड्राई क्या लें, HCl अम्ल लें, तो इस अभिक्रिया का एक स्पेसिफिक नाम होता है दोनों अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया का नाम है फिसर, ठीक है, स्पीयर, फिसर स्पीयर एस्टरीकरण, ठीक है। तो ये अभिक्रिया का एक नाम है, ठीक है, जब अपन क्या करें यहाँ पे कंसनट्रेट HCl लें तो इस अभिक्रिया को अपन क्या करेंगे, फिसर स्पीयर एस्टरीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगली एवं फोर्थ अभिक्रिया है बच्चों, अपन पढ़ेंगे यहाँ पे एसिलीकरण या एसाइलेशन को, ठीक है। एसाइल समूह यहाँ पे कौन सा समूह होता है आपको पता है, CH3C डबल बंद O को एक एसाइल समूह बोलते हैं अपन। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया अपन किससे करते हैं, अम्ल क्लोराइड से, ठीक है, कोई भी अम्ल क्लोराइड लें या फिर अपन एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, ठीक है, एल्कोहल और अम्ल क्लोराइड, ठीक है, एल्कोहल और अम्ल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्कोहल का जो हाइड्रोजन परमाणु है ये एसिल समूह, ठीक है, आर, ठीक है, CO समूह द्वारा कैसा हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए कैसे, अपन जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं CH3C डबल बंद O और Cl, ये एक अम्ल क्लोराइड ले लिया अपन ने यहाँ पे जैसे रिएक्शन में दिया है, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं अपन, एल्कोहल से, तो यहाँ पे एल्कोहल भी अपन एथिल एल्कोहल ही लेके चलते हैं, ठीक है, C2H5, ठीक है, तो अपन ने एक यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लिए हैं और यहाँ पे क्या ले लिए हैं अपन ने, अम्ल क्लोराइड, या इसको बोलते हैं एथेनल क्लोराइड, एथेनल क्लोराइड, ठीक है। जब इनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो ये बंद आपको पता है यहीं से टूटता है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C डबल बंद O
और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे C2H5, ठीक है। ये जो बनता है बच्चों इसको बोलते हैं अपन, ये कहलाएगा बच्चों एथिल एसीटेट। क्या कहलाएगा? एथिल एसीटेट। ये जो अभिक्रिया है बच्चों ये आपको पता है कि किसकी उपस्थिति में होती है? पिरिडीन की उपस्थिति में होगी, ठीक है। बच्चों अपन यहाँ पे क्या करें, एसिड एनहाइड्राइड ले लें, तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे CH3C(O) यहाँ पे लिखा है ना एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड ले लेते हैं अपन यहाँ पे CH3CO और यहाँ पे O, ठीक है, C(O) और ये CH3, ठीक है। ये एक एनहाइड्राइड समूह है, ठीक है, यहाँ पे एनहाइड्राइड समूह है जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया फिर से अपन एल्कोहल से करते हैं, C2H5 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम अभिक्रिया होगी बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जब अपन यहाँ पे क्या करते हैं एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, तो एथिल एल्कोहल में देखो ये जो बंद है यहाँ पे, ठीक है, या तो यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा, ये बंद यहाँ से टूटेगा या यहाँ से भी टूट सकता है, ठीक है। तो मान लो यदि यहाँ से बंद टूटा तो यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस आएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, ठीक है। तो इस प्लस के पास ये ऑक्सीजन माइनस जाके जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो एच प्लस है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा, तो देखिए फाइनली क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है, ये CH3, ठीक है, ये वाला समूह है, ठीक है, सी, ये डबल बंद ओ, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव समूह जाके जुड़ेगा यहाँ का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और C2H5 और यहाँ पे। अब देखो बच्चों जो H प्लस है वो यहाँ पे इस समूह पे जाके जुड़ा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3COO और यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो H एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COOH एक अम्ल बन जाएगा और ये बन जाएगा एथिल एसीटेट, ठीक है। इसका नाम भी क्या है बच्चों? एथिल एसीटेट, सेम संरचना है। तो बच्चों ये चार अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न हुई जिसमें क्या होता है एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो बंध ब्रेक होता था। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में वो अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें एल्कोहल एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे व्यवहार करेगा और यहाँ पे यहाँ के बीच में जो बंध है, ठीक है, एल्किल समूह और ऑक्सीजन समूह के बीच में ये ब्रेक होगा, ठीक है।